अलीगढ़ थाना इगलास पुलिस टीम ने लोहे की एंगल से भरे हुए ट्रक की लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण किया है। वहीं तीन शातिर लुटेरे पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए कब्जे से घटना में प्रयुक्त इको कार सहित अवैध शस्त्र कारतूस बरामद किए। अब वहीं अभियुक्त की निशानदेही पर 15 टन लोहे की एंगल से भरा लूटा हुआ ट्रक बरामद किया। क्षेत्र अधिकारी ने बताया ग्लास क्षेत्र में हाथरस रोड ग्राम हरिराम के पास कुछ व्यक्तियों ने एंगल से कूदकर व्यक्ति ने एंगल से लदे ट्रक को लूट लिया था। सूचना पर बादी की तैयारी में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर घटना का सफल अनावरण करते हुए टीमों द्वारा तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से लूटा हुआ ट्रक समस्त एंगल को बरामद कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त इको गाड़ी तथा बदमाशों के पास से तमंचा कारतूस इत्यादि बरामद किए गए। कुछ बदमाशों के इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है, अन्य बदमाशों के इतिहास की जानकारी आसपास के जनपदों से की जा रही। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना है कि थाना इगलास क्षेत्र में दिनांक 6/7 की रात्रि में हाथरस रोड पे ग्राम हरिराम के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा एक ट्रक जिसपे केमिकल लगा हुआ था उसको लूट लिया गया था। सूचना पर वादी की तहरीर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई करते हुए टीमों को गठित कर घटना के अनावरण का प्रयास किया गया। आज दिनांक 8/8/2024 को घटना का सफल अनावरण करते हुए टीमों द्वारा तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से लूटा हुआ ट्रक तथा समस्त एंगल को बरामद कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त तो इको गाड़ी तथा बदमाशों के पास से तमंचा कारतूस इत्यादि बरामद किए गए। कुछ बदमाशों के आपराधिक इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है तथा अन्य बदमाशों की भी आपराधिक इतिहास की जानकारी आसपास के जनपदों से की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।